चलते हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए सभी को राधे राधे। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था, बताना है सभी को। और काफी जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, सभी के जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही है। ये जो आपके पूर्व का सिराज कहते थे, किसे कहते थे? ये आपके कहते थे आपके जौनपुर को। ठीक है, ऑप्शन जिसका जिसका आ रहा है सी नंबर आपका जौनपुर हो जाएगा। हमने यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके बेसिक है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है। देखिए यूपी जीके आप पढ़ रहे हैं, ये मत समझिए कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी जीके में आपके कह सकते हैं स्टार्टिंग में आपके क्या होंगे, दो तीन जो आपके टॉपिक हैं वो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा है? आगरा, तो भाई आगरा जो बसाया था किसने बसाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर सभी के आ चुके हैं, वेरी गुड। ऑप्शन अटक यहाँ पर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था? तो आपके सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब बसाया था ये भी डेट याद रखना, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है। तो कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? सेवन का जवाब देना है, सेवन का जवाब देना है, वेरी गुड। सभी का जवाब आ रहा है, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहाँ पर लॉक कर देते हैं। कौन सा? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो सेवन का ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, जौनपुर। और भाई जौनपुर जो आपका बनवाया गया था वो किसकी स्मृति में बनवाया गया था? चलिए सभी को राधे राधे, टाइम से आया करिए। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका एक नाम और हुआ करता था जौना खां। ठीक है, पढ़ा है ना आपकी हिस्ट्री में, इसी का एक नाम था क्या? जौना खां। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खां था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? यहाँ पर बताना है कि मध्यकालीन भारत में ऐसे कौन से संत हैं जिनका जन्म प्रयाग में हुआ है? चलिए जवाब दीजिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए यहाँ पर आपका नाइन का जवाब देना है, और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर तुलसीदास आ रहा है भाई, ऐसी बात है क्या? तुलसीदास का जन्म तो आपके चित्रकूट में हुआ था, राजापुर ग्राम में। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, याद रखिए ये हुआ था आपके रामानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, रामानंद का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो आपके प्रयाग में हुआ था। वहीं पर अगर बात करें कि आपके कुंभकर्ण नहीं है, यहाँ पर कुंभन दास होता है। ठीक है, कुंभकर्ण नहीं है, यहाँ पर कुंभन दास होगा। तो कुंभन दास का जो हुआ था वो आपका हुआ था मथुरा में, एक जगह पड़ती है जमुनावतो। ठीक है, जमुनावतो। और रैदास जी का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। ठीक है, और तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये आपके राजापुर जो आपके चित्रकूट में है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे किसके शिष्य थे आपके? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? कुछ ही लोगों के जवाब आ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर कबीर शिष्य थे किसके थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला दिया है बीजक का रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, बताना है। चलिए बीजक के रचयिता, और जवाब यहाँ सही है, बीजक के रचयिता क्या यहाँ पर 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ये आपके कौन है? तो आपके कबीरदास हैं। ठीक है, कबीरदास हैं। और याद रखिएगा कबीरदास एक पॉइंट होता है कि कबीर पंथी समुदाय, ठीक है, कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य जो धार्मिक है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं बीजक है। जो कबीर पंथी है उनका मुख्य धार्मिक जो आप कह सकते हैं वो आपका बीजक है। ठीक है, और इसमें से दोहों का संकलन आपका मिलता है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, प्रसिद्ध जो आपके संत हैं आपके सलीम चिश्ती, ये आपके रहते थे कहाँ पर? तो ये रहते थे कहां पर भाई? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर आपका 12 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का मजार पर जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है? सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है काफी लोगों का, देवा शरीफ। देवा शरीफ क्या सही है? लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही है, जवाब आपका बनेगा सी नंबर, देवा शरीफ में लगता है। ठीक है, देवा शरीफ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया? उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया? और इसका जो जवाब बनेगा कौन सा,
तो जवाब हो जाओ ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका ए नंबर, या आपकी जेजाग भुक्ति है। ठीक है, कौन आपकी जेजाग भुक्ति, या कह सकते हैं एक जगह पर इसका वर्तमान नाम जो आपका है, वर्तमान नाम का बुंदेलखंड है। ठीक है, बुंदेलखंड है, हमने आपको वीडियो बना दिया है। ठीक है, पुराने नाम वाला देख लीजिएगा, बुंदेलखंड है, वहां पर आपके राजा रहते थे चंदेल। ठीक है, चंदेल राजाओं ने कह सकते हैं कि इनका विरोध आपका किया था, और कह सकते हैं जो आपका कलिंजर है, कलिंजर में कभी भी इसने कह सकते हैं आक्रमण नहीं कर पाया था, वो हमेशा अजेय रहा है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहारों का शासन किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो आपके गुर्जर प्रतिहार थे, इनका जो शासन समाप्त किया गया था, वो आपके किस वंश के द्वारा किया गया था। चलिए, यहां पर 15 का जवाब देना है, और जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर तुक्का आ रहे हैं भाई, तुक्के आ रहे हैं यहां पर, और इसका जो जवाब बनेगा 15 का डी बनेगा। याद रखिए, सुल्तान महमूद गजनवी, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो आपके थे, ये सभी को हराने के बाद ही विजय हुए थे, और इनको हराया था किसने, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये आगरा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने कब की थी। अभी हमने आपको बताया था डेट, आपको बताया था, और डेट आपकी आ भी चुकी है, जवाब यहाँ पर किसी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आगरा स्थापना, आगरा शहर की जो स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने किया था, और कब किया था, तो यहाँ पर भाई 1501 आ रहा है, क्या बात है। और यहां पर 16 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर आपका हो जाएगा 1504। अभी हमने बताया था 1504, तभी कहते हैं ध्यान दिया करिए, ध्यान दिया करिए। अगला दिया है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो यहां पर तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका कौन सा, बी नंबर, अकबर के समकालीन थे। क्योंकि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो आपके कह सकते हैं 1497 में, और इसके बाद जब शासन की बात आते हैं तब इनके अकॉर्डिंग आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। रामचरितमानस, जवाब दीजिए भाई, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है, और जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ रहा है, सभी का ए आ रहा है, और यहां पर आपका जवाब बनेगा 18 का ऑप्शन राइट। चलिए निशान लगा दें, चलिए ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंगने आक्रमण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। मतलब अगर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तैमूर लंगन जो आक्रमण किया था कब किया था, तो 1398 में किया था। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो प्रभावित आपका हुआ था एरिया, वो आपका कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर 19 का तो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आ रहा है किसी का, और यहाँ सही है, कटहर भी आ रहा है, तो भाई कटहर जो आपके हैं सभी हैं, यहाँ पर आपका ए बी सी ये आपके सभी होंगे। देखो, जो आपके तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके दिल्ली और पंजाब में भी किया था। ठीक है ना, ये मुख्य का कह सकते हैं जो आपका था, तो आपका दिल्ली और पंजाब था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपके कह सकते हैं इन जिलों में मेरठ, हरिद्वार, कटेहर, ये आपके कह सकते हैं इनमें भी आपका किया था। और अगला दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। चलिए भाई, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया, गलती नहीं होना चाहिए, हमेशा ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न अगर गलत होते हैं तो समझिए फिर तो भी दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। तो भी इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, चलिए बिल्कुल सही है। तो सिकंदर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया, तो यहाँ पर आपका 20 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। चलिए सभी का सही जवाब है, वेरी गुड। अगला है, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और जो चौगान खेलते समय, ठीक है ना, और कह सकते हैं इसके बाद आपके इल्तुतमिश आए थे, उस समय जो गवर्नर थे आपके बदायूं के थे। ठीक है, 21 का जवाब क्या बनेगा, बी आपका हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है कि भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है। ये भी हमने आपको बता दिया है, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगा जहां पर आपको 15 से 20 प्रश्न आपको ना मिले, नॉर्मल से अगर देखा जाए, नॉर्मल सी बात। तो यहां पर भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है, चलिए सही जवाब है अमीर खुसरो को कहा जाता है, बिल्कुल सही आ रहा है सभी का जवाब, तो आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना, जो कि कह सकते हैं उस समय इबादत खाना को धर्म संसद कहते हैं, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की थी। तो डेट याद रखना कि इबादत खाने की स्थापना किसने करवाया, अकबर ने करवाया, जो आप कह सकते हैं उसे धर्म संसद के नाम से जानते हैं, और कह सकते हैं कि ये कहाँ पर करवाया था, तो 23 का आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए 23 का जवाब आ रहा है, यह आपका सी नंबर, आपके फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी होगा भाई, आगरा मत लगाइएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा। देख लीजिए, ये एक अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये जो कहा था किसने कहा था, तो याद रखिए यह कहा था आपके राल्फ फ्रिंच ने, ऑप्शन आपका बी बनेगा, राल्फ फ्रिंच ने कहा था, याद रखिए राल्फ फ्रिंच, क्लियर है। चलिए, जो नया पॉइंट हो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और इसके बाद उसे कॉपी में नोट कर लिया करिए,
नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा जाता है? देख लीजिए, आपको दिया गया है संगमरमर का युग। और भाई संगमरमर का युग जो आपका कहा गया, जो भी नए हैं लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। और यहाँ पर संगमरमर का युग दिया है भाई, संगमरमर का युग। और कह सकते हैं इस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संगमरमर युग इसलिए बोला गया क्योंकि इस समय संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो प्रयोग जो आपके जहांगीर से हुआ था, लेकिन स्वर्ण युग जो कहा गया है वो कहा गया है किसके समय को? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां के समय को कहा गया है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, स्टार्टिंग तो इन्होंने किया था, लेकिन कह सकते हैं कि जो चरम पे पहुंचे थे आपके, इनके समय हुआ था। और अगला दिया गया है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? चलिए जवाब दीजिए, मुगल काल की राजकीय भाषा बताना है। चलिए, और यहां पर पढ़ते रहिए भाई, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तभी बढ़ेंगे, हार नहीं मानना है। चलिए, मुगल काल की राजकीय भाषा, सभी का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, फारसी आ रहा है, किसी के भाई उर्दू भी आ रहा है, ऐसी क्या बात है, उर्दू का उर्दू थी क्या? 26 नंबर, 26 नंबर। और यहां पर जवाब बी बनेगा, लॉक हो जाएगा आंसर आपका, बी फारसी बनेगा भाई, उर्दू नहीं बनेगा। ठीक है, उर्दू नहीं बनेगा। और अगला दिया है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। और इस प्रश्न को अभी हमने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जेजाक भुक्ति हमने बताया है कि किसका आपका नाम है, तो जेजाक भुक्ति यहाँ पर 27 का बी आ रहा है। क्लियर है, मतलब ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ध्यान से पढ़ना ही चाहिए। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था आपके बुंदेलखंड का, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला दिया है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लिख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? देख लीजिए कि संस्कृत मुद्रा लिख के साथ चांदी के जो सिक्के थे वो आपके किसने करवाया था? 28 का जवाब बनेगा ऑप्शन बी आपके महमूद गजनवी। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, महमूद गजनवी ने यहाँ पर कह सकते हैं निर्गत करवाए थे। अगला दिया है कि मलिक उस सरक तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि किसे प्रदान की गई? मलिक उस सरक तथा ख्वाजा ए जहां की जो उपाधि प्रदान की गई, ये की गई थी ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर जो कि एक हिजड़ा था, ठीक है, एक हिजड़ा था और बहुत ही ईमानदार था। हमने कह सकते टेलीग्राम पे इसके बारे में डाल दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नई चीज होती है उसको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जी के ट्रिक, वहां पर हर एक पॉइंट डाल देते हैं जहां पर दिक्कत होती है, कोई प्रश्न में अगर तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, तो ग्रुप डिस्कशन बना है, वहां पर ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए, अटाला मस्जिद, देखिए हमने मस्जिद वाला भी टॉपिक करा दिया है, हमने यहाँ पर अटाला मस्जिद वाला मतलब कह सकते हैं मस्जिद जहाँ बनी है इनका वीडियो दे दिया है। तो अटाला मस्जिद जो कि आपकी जौनपुर में, हमने बताया था दिया होगा जौनपुर, और यहाँ पर आपका निर्माण किसने कराया? 30 का ऑप्शन, वेरी गुड, सही जवाब है आपका, सही हो जाएगा सी नंबर, इब्राहिम शाह जो आपके सरकी ने करवाया था। क्लियर हुआ, सरकी ने कराया था, बिल्कुल सही है। अगला है बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? बीरबल का जन्म बताना है, बीरबल का जन्म बताना है साथियों। चलिए, 31 का जवाब सभी का आ रहा है, और इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए भाई किसी की। चलिए, सभी का बी आ रहा है, और सभी का बी आ रहा है, किसी का सीवीआर है क्या? बी आपका हो जाएगा, यहाँ पर कालपी में हुआ था। ठीक है, 31 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कालपी में हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि मुगलों को आरंभ में उत्तर प्रदेश में सत्ता जमाने में किनके कह सकते हैं किनसे या किनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, मुगल जो मुगल आपके आए थे, मतलब कह सकते हैं बाबर आए थे, कब आए थे? तो भाई तो 1526 में आपका आक्रमण हुआ था, है ना, पानीपत का। तो उस समय आप बताइए कि इस समय कौन थे? तो उस समय आपके थे आपके अफगान, ठीक है, अफगान ही तो थे ना, जो आपका सिकंदर मतलब कह सकते इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, तो वही तो आपके बचे थे ना चंदेल, और ये तो पहले निपट गए थे, ये पहले निपट गए थे। तो आपका जवाब क्या बनेगा? बी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण किया था ये कब किया था? तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, यह आपकी 1532 में किया था, 1532 में किया था। अगला दिया गया है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इनको भी हमने पढ़ा दिया है, जो भी हमने इतिहास से जुड़े हुए जो आपके पॉइंट हैं उनके जन्म के बारे में, मतलब छोटा से वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ ज्ञान दिया है आपको, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देखते रहिएगा, बेसिक भी तैयार करते रहिए। चलिए, टोडरमल ने जो किया है वो आपके भू राजस्व, ठीक है, अकबर के समय जो थे तो भू राजस्व बंदोबस्त का देखभाल यही करते थे टोडरमल, ठीक है। चलिए, अगला दिया गया है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यह आपका जारी हुआ था किसके समय में, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध हुआ था? तो आपका 35 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, या आपके अकबर के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका बी बनेगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। धांसु तैयारी हो चुकी है, धांसु मतलब किसी का भी जवाब गलत नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, काफी खुशी होती है कि सभी के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं बना बन। चलिए, जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल स्थित है कहां पर स्थित है? चलिए, जहांगीर महल 36 का जवाब देना है, और जहांगीर महल जो आपकी है कहां पर, तो जवाब यहाँ पर आगरा आ रहा है, किसी का औरंगाबाद भी आ रहा है भाई, 36 का किसी किसी का बी आ रहा है।
तो जवाब यहाँ पर जहांगीर महल दिया है भाई, महल दिया है, ये आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में, जो आगरा का लाल किला है उसी में आपका स्थित है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है ना, औरंगाबाद मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कह सकते हैं कि अकबर ने पहले ही से बनवाया था अपने लिए, है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपके आगरा में, जगह पड़ती है आपके सिकंदरा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 37 का ही हो जाएगा, सिकंदरा जो कि एक गांव है, ठीक है, वहीं पर कह सकते हैं कि मतलब बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, यहाँ पर दिया है रुहेल का एक सरदार हुआ करता था रुहेलखंड में, रुहेला का जो सरदार था, ठीक है, वो अहमद शाह का अब्दाली था, विश्वास पात्र था, ये आपका है नजीब खान, नजीब खान के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया था टेलीग्राम पे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, रामानंद का जन्म बताना है, यहाँ पर भी वीडियो हमने बता दिया है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, थोड़ा बहुत बचा है वो आपको डेली आपको वीडियो मिल रहे हैं। चलिए 39 का जवाब यहाँ पर किसी का बी आ रहा है, सी बी आ रहा है भाई, क्या जवाब हो जाएगा, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तभी कहते हैं क्लास जो आपकी होती है 5 बजे होती है, 5 बजे से आ जाए करिए, नोटिफिकेशन नहीं आता है, और ऐसे हम टेस्ट लाए हैं जो आपकी पूरे वीडियो में क्वेश्चन मिलते रहेंगे और याद हो जाएंगे। चलिए अगला दिया है कि अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कौन सा है, अकबर ने किसका किसका निर्माण करवाया है, अकबर ने किसका किसका निर्माण करवाया है, तो इलाहाबाद किला का करवाया है शेख सलीम चिश्ती जो कि उनके गुरु ही थे, है ना, और आपके जो आपके बुलंद दरवाजा, यहाँ पर गुरु इस प्रकार से थे क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था कह सकता है कि इन्हीं के दुआओं की वजह से हुआ था, है ना, तो जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, 41 का जवाब देना है। समझिए जब आपकी रिलेटेड आपकी यूपी जी के रिलेटेड आपकी हिस्ट्री से आप ऐसा जवाब दे रहे हैं तो आप जो आपके तीसरा टॉपिक होगा उसका कितना भयंकर आप लोग जवाब देंगे, और चौथे में तो आप लोग हवा में उड़ेंगे बिल्कुल से, ठीक है, तो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू आप लोग रहिएगा, 5 बजे आ जाए करिए, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये नंबर, ये आपके पंचमहल, ठीक है, पंचमहल, ठीक है, जो आपके कहाँ पर है, तो आपके वहीं पर जो इनको फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, अकबर द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो कहाँ पर आपकी हैं, तो 42 का आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है भाई, यहाँ पर डी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है भाई, ए हो जाएगा क्या, आप लोग ए दे रहे हैं जवाब, चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है, ठीक है ना, तो ये मत लगाइए, ऐसा होता है ना कि अगर ए अगर आपसे 4 ऑप्शन दिया जाए तो आप पहले वाले को जल्दी सॉल्व कर देते हैं ना, पहला लगा देते हैं फट दो, ऐसा नहीं, थोड़ा देख लिया करिए। अगला दिया है इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, यहाँ पर 43 नंबर, जो कि आपके कह सकते हैं कि नूरजहां के पिता का नाम था, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, इत्मादुद्दौला था, जो कि आपके आगरा में ही आपका है, और कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, कब बनवाया था, तो 1662 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में बनवाया था, और एक पॉइंट याद रखिए, ये मकबरा एक विशिष्ट शैली पर बना हुआ है, ये पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी, ये आपकी जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है ये पहली ऐसी आपकी मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से बनवाया गया था, जिसमें से गुदा और संगमरमर के अलावा एक शैली बनाई गई है जिसे बोलते हैं पिट्रा डूरा शैली, पिट्रा डूरा शैली मतलब होता है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, पिट्रा डूरा शैली मतलब होता है जो आपके रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं लगे होते हैं, ठीक है, चलिए वेरी गुड, काफी लोगों के जवाब आए हैं, जिन लोगों के जवाब यहाँ पर पहले से आए पिट्रा डूरा शैली उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका अगला दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, यहाँ पर देख लीजिए किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, 44 का जवाब देना है, चलिए 44 का सी आ रहा है जवाब यहाँ पर, चलिए सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है क्या, 44 सही है, लॉक कर दिया जाए, चलिए लॉक करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये आगरा राजधानी जो आपकी दिल्ली स्थानांतरित की थी आपकी शाहजहां ने, ठीक है, चलिए बी मत लगाइए भाई, सी लगाना है। चलिए मलूकदास एक संत कवि थे, मलूकदास को भी हमने बता दिया है, ठीक है, मतलब हमने जितने भी आपके संत हैं सबको कहाँ पर जन्म हुआ है, जन्म वाला वीडियो देख लीजिएगा बेसिक वाला, तो यहाँ पर मलूकदास एक संत कवि थे कहाँ के, 45 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपके काशी, ठीक है, काशी जिसे कहते हैं हम लोग वर्तमान में कौशाम्बी, वर्तमान में क्या बोलते हैं कौशाम्बी, तो कौशाम्बी कहेंगे भाई कौशाम्बी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, प्रेम वाटिका, प्रेम में एक रस होता है, प्रेम में एक रस होता है जिसमें से सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रस होता है अर्थात तो प्रेम रस पी, ऑप्शन सी हो जाएगा रस खान, ठीक है, प्रेम रस खान। चलिए अगला दिया गया है कि
गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया है? देख लीजिए, ये कह सकते हैं गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी है कुमार देवी, जो कि बौद्ध, ठीक है, बौद्ध मतानुयायी हैं, और इन्होंने एक कह सकते हैं बौद्ध विहार बनवाया। कहाँ पर बनवाया? ये बनवाया सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में बनवाया, ठीक है, और इस प्रकार से याद रहेगा। चलिए, सारनाथ में जो धर्मचक्र परिवर्तन है। अगला दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, किसने स्थापना किया था भाई? तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा यहां पर, 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, या आपके नागभट्ट प्रथम ने किया था, नागभट्ट प्रथम ने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इतने लोग जुड़े हुए, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए, एक मिनट में सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हो, थोड़ा सा हमें भी सोचा करिए कि हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कर दिया करिए, जो लोगों ने लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला है 49 नंबर, कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, यहाँ पर दिया आपका कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वो आपका कौन था? तो चंद्रवंशी का जो था वो आपका प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर जो आपका है, ये कह सकते हैं एक जगह पड़ती है आपके प्रयागराज में, झूंसी, एक प्रयागराज में जगह पड़ती है झूंसी, ठीक है, झूंसी है, झूंसी जो कि कह सकते हैं एक नगर पालिका है, ठीक है, झूंसी एक नगर पालिका है जो आपके कहां पर, आपके तो प्रयागराज में है। प्रश्न जो कि आपका बनता है गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि आपके देख सकते हैं कब हुआ था, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहां पर हुआ था, तो आपकी लुम्बिनी जो कि आपके नेपाल, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, तो आपकी 483 ईस्वी में, इनकी ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, माता जी का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। याद रखिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्हें बोधित्व बोला जाता है, और याद रखिएगा इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपकी 35वीं वर्ष हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई थी। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोटे से यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंट में आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है, और यही प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे, यहाँ पर हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता जो बाणभट्ट हैं वो आपके कहाँ रहते थे, तो आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि हर्षचरित व कादम्बरी के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके हैं कौन, तो आपके बाणभट्ट हैं, कहाँ रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, निजामुद्दीन औलिया को जो जन्म हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था भाई, तो आपके बदायूं में, कहाँ पर हुआ था, बदायूं में। अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि फतवा ए जहांदारी व तारीफ़ फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे, याद रखिए, याद रखिएगा कि फतवा ए जहांदारी साथ में आपके तारीफ़ फिरोजशाही के जो लेखक हैं वो आपके कौन, तो जियाउद्दीन बरनी हैं। ये जो आपके थे कहाँ के, तो ये आपके बरन, बरन कहाँ पड़ता है, तो आपके बुंदेलखंड, ठीक है, माफ करिए बुलंदशहर पड़ता है, बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं प्रश्न इनसे बनते हैं। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है तोतिया हिंद या तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। याद रखिए तोता ए हिंद जो कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपके पटियाली, पटियाली जो आपके कासगंज में पड़ती है। इनके गुरु का नाम पूछा है कि इनके गुरु का नाम क्या था, ये इनके गुरु कौन थे, तो आपके निजामुद्दीन औलिया थे, याद रखिए निजामुद्दीन औलिया थे आपके अमीर खुसरो के गुरु, ठीक है। इन्हें भारत का तोतिया हिंद कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि संगीता के भक्त जो आपके हैं कौन, तो स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास का जन्म जो आपका हुआ है कहाँ पर, इनके जन्म से मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग इनका जन्म वृंदावन बताते हैं, कुछ लोग इनका जन्म हरिदासपुर इनके नाम के अनुसार बताते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यही है कि वृंदावन के पास जो राजापुर एक गाँव है वहां पर हुआ था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इनका मतभेद है, फिर भी यहां पर इनके नाम के अनुसार से हरिदासपुर बताया गया है जो कि आपके अलीगढ़ में है, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा जो पूछा जाता है वो वृंदावन ही पूछा जाता है। हमने आपको जो पॉइंट है बता दिया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के दीवान, अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल, ठीक है, अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल थे। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लहरपुर, लहरपुर कहाँ पड़ता है, तो लहरपुर आपके पड़ता है सीतापुर में, ठीक है, सीतापुर में। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक आपके कौन है, तो याद रखिए अकबरनामा और आपके आईने अकबरी के लेखक आपके कौन है, तो आपके अबुल फजल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था आपके आगरा में, याद रखिए आगरा में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज थे, याद रखिए कि आपके कविराज जो आपके कह सकते पदवी दी गई थी आपके बीरबल हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है महेश दास। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बीरबल के
बीरबल का एक नाम और कौन है, तो आपका महेशदास इनका एक नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए इनका जन्म आपकी कालपी जो कि आपके जालौन में पड़ता है, याद रखिएगा कि कविराज जो कि आपके बीरबल है इन्हें महेशदास कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कालपी जालौन में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य थे तानसेन, ठीक है, हरिदास के शिष्य थे आपके कौन, तानसेन, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिए इनका जन्म आपके ग्वालियर जो कि आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, हरिदास के कह सकते हैं आपके शिष्य हैं आपके तानसेन। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान कौन थे आपके, तो याद रखिए विद्वान आपका दिया है ये आपके शेख फैजी, शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ आपके आगरा में हुआ, ठीक है, आगरा में। अगला दिया है मिर्जा गालिब का जन्म, मिर्जा गालिब का जन्म जो कि बहुत बार पूछा गया है, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये आपके हुआ है आगरा में, याद रखिए कहाँ पर हुआ है, तो आपके आगरा में, ठीक है। अगले प्रश्न को आ रहे हैं यार आपसे कि नाना साहब का बचपन का नाम, याद रखिए नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, गोविंद था, लेकिन परिवार वाले इनको क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे, क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे आपके नाना साहब को, ठीक है। अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, याद रखिएगा कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो आपका रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, कहाँ पर, तो आपके बिठूर में हुआ था जो कि आपके नाना साहब के यहाँ पर, ठीक है। अगले प्रश्न को आ रहे हैं आपसे अगला कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कि हुआ कहाँ पर था, तो आपके भदैनी, भदैनी जो आपकी अस्सी जो आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके भदैनी जो कि आपके अस्सी कह सकते हैं आपके वाराणसी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु, वह कह सकते हैं आपके मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, तो आपके अभी बताया बिठूर में हुआ था जो कि आपके तात्या टोपे के साथ इनका भी पालन पोषण हुआ था। और इनके पिता का नाम, याद रखिए इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था नाना साहेब मोरोपंत, क्या था भाई, नाना साहब मोरोपंत। और इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर, ठीक है। उनके बाबा इनको प्यार से क्या बुलाते थे, तो इनके बाबा प्यार से बुलाते थे छबीली बाई के नाम से, ठीक है, छबीली नाम से जानते थे, छबीली, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से उनके बाबा बुलाते थे, तो छबीली नाम से बुलाते थे। इतने ढेरों का क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे। अगला दिया है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपकी शाहजहांपुर, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि शाहजहांपुर जो कि 17वां नगर निगम है, ठीक है, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत इन्हें फांसी जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर जेल में। तीन क्वेश्चन आपके बने कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो आपका हुआ था कहाँ पर, शाहजहांपुर में, और इन्हें किस केस में फांसी की सजा हुई थी, तो काकोरी केस के तहत इनको फांसी हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो आपके गोरखपुर जेल में हुई थी। क्लियर हुआ। अगला दिया गया है चंद्रशेखर आजाद का जन्म, याद रखे चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी जो थे वो आपके कहाँ के, तो आपके उन्नाव के थे, याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी आपके उन्नाव के थे, क्योंकि उन्नाव को जो पक्षी विहार है ये इन्हीं के नाम से आपका रखा गया है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है, उन्नाव में। और अगला दिया गया है कि अशफाक उल्ला व रोशन सिंह का जन्म हुआ था, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके शाहजहांपुर में, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला दिया गया है कि तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था, तेज बहादुर सप्रू का जन्म जो हुआ था वो आपके कहाँ पर, तो आपके अलीगढ़ जो कि आपकी ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है कि मौलाना अली का जन्म हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके फरुखाबाद में, ठीक है, फरुखाबाद में। अगला दिया गया है कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बीएचयू के संस्थापक आपके कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था आपके, तो आपके इलाहाबाद में, याद रखिएगा कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था। अगला दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपके हुआ था कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। अगला दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो आपके 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, ठीक है, मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपकी ताशकंद में हुई थी, याद रखिए कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। और अगला दिया गया है कि कबीर के गुरु का नाम, तो कबीर के गुरु का नाम क्या था भाई, तो कबीर के गुरु का नाम था आपके रामानंदाचार्य, ठीक है, काशी में रहते थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में। तो कबीर के गुरु आपके कौन थे, तो आपके रामानंदाचार्य, ये काशी में रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था रामानंदाचार्य का, वो आपके कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। अगला दिया गया है कि कबीर का जन्म वाराणसी में, देख लीजिए कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में, पालन पोषण जो हुआ था वो आपके जुलाहा दंपत्ति जो थे नीरुनिमा द्वारा किया गया था। साखी सबद रमैनी इनकी शीर्षक है, तो इनकी जो साखी सबद रमैनी शीर्षक है, इनकी जो रचना है वो किसमें है आपके, तो आपके बीजक में है, मतलब सभी क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही, जो कि आपके मथुरा में है, इनके गुरु का नाम पूछा है,
तो सूरदास के जो आपके गुरु थे उनका नाम क्या है, तो आपके बल्लभाचार्य, क्या भाई, बल्लभाचार्य है। और इनका जन्म कह सकते हैं रुनकता या सी ही, जो कि कह सकते हैं अपवाद के रूप में होता है, कहीं कहीं रुनकता भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है तुलसीदास का जन्म, तो भाई तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर, जो कि आपके चित्रकूट के पास पड़ता है राजापुर, ठीक है। इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम राम बोला था, याद रखिए, पूछेगा कि इनके बचपन का नाम राम बोला, तो आपके तुलसीदास का था, ठीक है। और इनके गुरु का नाम पूछा गया है, इनके गुरु का नाम क्या है, आपके नरहरिदास है, नरहरदास, याद हुए। ये इतने जो हम पॉइंट लगा रहे हैं यही महत्वपूर्ण आपके हैं। अगला दिया है कि रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, इनके गुरु आपके कौन है, रैदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, इनके गुरु का नाम पूछा है, जो कि आपके क्या है, तो रामानंदाचार्य है, रामानंदाचार्य। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संत मलूकदास, प्रसिद्ध संत मलूकदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके कड़ा, जो कड़ा आपके कहाँ पर है, तो आपकी कौशाम्बी में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कड़ा है वर्तमान में कहाँ, तो आपकी कौशाम्बी, या आपको पॉइंट आपको याद रखना है, मलूकदास का जन्म हुआ था कड़ा कौशाम्बी में। अगला दिया है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में, याद रहेगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म आपके प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था वो आपके इलाहाबाद में। क्लियर हुआ, इतने आपके थे जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे मटेरियल दे रहे हैं जो आप थोड़ा सा केवल वीडियो को देख लो, आपको लगेगा कि इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो 100% पूरा ज्ञान, ठीक है ना, तो पसंद आया है।